इसके बाद जब बीजेपी सदर विधायक राम लगन कुशवाहा न्यायालय में हाजिर हुए तो उन्हें न्यायाधीश ने अपनी कस्टडी में ले लिया। विधायक को कस्टडी में पहुंचाते ही समर्थकों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। मामला एडीजे प्रथम उमेश कुमार की न्यायालय का है, जहां भाजपा के सदर विधायक राम लगन कुशवाहा अपने लव लश्कर के साथ न्यायालय द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद अदालत में हाजिर हुए थे। अदालत में हाजिर होते ही न्यायिक मजिस्ट्रेट एडीजे प्रथम उमेश कुमार ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद उनके समर्थकों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। मगर थोड़ी देर बाद उनके वकील ने 25,000 के मुचकले पर उनकी जमानत मंजूर करा ली और उन्हें छुड़ा लिया। इस मामले में सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने कहा कि 2017 में संपन्न विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने अनुमति देकर निर्धारित समर्थकों के साथ एक रैली शहर में निकाली थी। एक सपा शासनकाल में हुए चुनावों के दौरान देश भावना की मानसिकता रखते हुए कुछ लोगों ने उन पर धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज करा दिया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में नोटिस के बाद वह अदालत में हाजिर हुए थे और उन्हें मुचकले पर रिहा कर दिया गया था। और न्यायाधीश व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, उनके साथ न्याय होगा, उन्होंने किसी भी धारा का कोई उल्लंघन नहीं किया है। एक्चुअल में आपको सम्मन प्राप्त हुआ तो मैं कोर्ट में पेश होकर आज अपनी जमानत कराई है। 144 के उल्लंघन का मामला है। चुनाव के समय वोट डलने के पूर्व में हमारे द्वारा जुलूस निकालना दिखाया गया है कि आपने बहुत बड़ा अनुमति के अतिरिक्त पब्लिक को बुला के जुलूस निकाला। क्या ऐसा हुआ था? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो जो अनुमति ली थी उतने ही लोग मेरे साथ चल रहे थे। अब पीछे कितने लोग चल रहे हैं मुझे क्या, बाजार में से जुलूस निकलता है सब लोग खड़े हो जाते हैं, उस आधार पर हम पर ये मुकदमा कायम किया गया है। तो ये आरोप आप पे मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है। पर ये जो आरोप हैं एक्चुअल में ये पूरा उस समय सपा का शासन था और सपा केवल ये चाहती थी कि किसी तरह हम लोगों पर मुकदमे दर्ज करें। तो समाजवादी पार्टी की सरकार के जो यहाँ अधिकारी गण थे उन्होंने जानबूझकर ये मुकदमा लिखाया था। एक्चुअल में धन्यवाद संबंध।